हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी GTA Vice City की गेम में हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं, वो भी चीट्स के ज़रिए। तो दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो YouTube पे देखी होगी, उनके पास तो चीट्स के ज़रिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन आपके पास चीट्स के ज़रिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आता? आप वो चीट्स दबा दबा के परेशान हो जाते हो और कहते हो कि भाई हमारे पास ये चीट्स वर्क नहीं करता। तो आज मैं आपके उन तमाम सवालों को जवाब दूंगा और आपको फुल प्रूफ के साथ जो है ना ये वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी GTA Vice City की गेम में हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, आपने इसे एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आज आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि आपके पास ये चीज़ वर्क क्यों नहीं करता। ना इसमें लो पीसी का कोई प्रॉब्लम है या ब्रांडेड कोई भी मतलब कंप्यूटर हो आपके पास, ये चीज़ 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों, आज लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको वो चीट्स अब लगा कर दिखाऊँगा। आपने इस चीज़ को देख के भागना नहीं है, क्योंकि आपके पास ये चीज़ तभी वर्क करेगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देंगे। तो यहाँ पर तो दोस्तों, आपने यहाँ पे दबाना है राइट साइड वाला जो शिफ्ट है, शिफ्ट प्लस 5, जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो दोस्तों, मेन जो रीज़न है तो आपके पास ये चीज़ वर्क क्यों नहीं करता, दरअसल उन लोगों के पास जो है अल्टीमेट ट्रेनर होता है और आपके पास अल्टीमेट ट्रेनर नहीं होता, तो इसलिए जो दोस्त आपके पास ये वीडियो वर्क करेगा। तो दोस्तों, अल्टीमेट ट्रेनर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरा चैनल विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ मैंने बताया है, जस्ट 1 MB का है। तो आप जो है उस अल्टीमेट ट्रेनर को अपनी गेम में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक नहीं बल्कि हज़ारों चीज़ हैं जो आपकी गेम में वर्क करेंगे। तो दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।